आमिर माजिद डिसअपॉइंटेड हो गए? क्या सम्राट भाई एंड लक्ष्य चौधरी ने मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी को एक्सपोज कर दिया? क्या प्रोराइडर 1000 के फादर को उनका गोप्रो 360 कैमरा मिल गया है? तो ये सब चीजें मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना एंड तक, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो हे गाइस, न्यूज़ बाबा यार। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अचीवमेंट के बारे में। तो गाइस, राइडर गर्ल विशाखा ने कम्प्लीट कर लिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड आमिर माजिद ने कम्प्लीट कर लिया अपने इंस्टाग्राम पर 6 लाख फॉलोअर्स। तो इसी पर रिएक्ट होते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया कि वो एक ब्रांड न्यू थार लेने वाले हैं। बाकी 600 के हो गए हैं, सारे कमेंट कर रहे हैं थार करूं आज महिंद्रा में कॉल कर। चाहते ही ले, चाहते ही थार 600 के कर दिए यार, अब तो कॉल करनी पड़ेगी। तो गाइस, हमारे सबसे पहली नजर ये आमिर माजिद की तरफ से। तो गाइस, आमिर माजिद की तरफ से आज एक न्यू व्लॉग आउट हुआ जिसमें वो काफी डिसअपॉइंटेड दिखे। इसमें उन्होंने बताया कि उनको हिंदू मुस्लिम रिलीजन के तौर पे ना देखा जाए, वो एक क्रिएटर है, उनको क्रिएटर के तौर पे ही देखा जाए। ना आजकल मेरी स्किल्स, मेरे व्लॉग्स, ये सारी चीजें छोड़ के ना मेरे से ये क्वेश्चन पूछते, आप हिंदू या मुस्लिम? टॉप करते थे या आप एक नालायक स्टूडेंट थे, तो आपको कोई पूछता था कि यार आप हिंदू या मुस्लिम हो? भाई आप हिंदू हो एंड मैं मुस्लिम्स भाई जो है उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन कि हम शादरा, मेरा शादरा जाने का मोटिव क्या था? बिलीव करता हूँ गॉड, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे हिंदू दोस्त है उनके साथ कभी कभार मंदिर भी चले जाता हूँ भाई। बट भाई मेरे दिल में किसी के लिए हेट नहीं है यार, तुम ये चीज को समझो। ये बंदे आते कहाँ से हैं कि समझ लो वो बंदा मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, अब मैं उससे नफरत करूंगा, ये चीज पालना छोड़ दो। एयर बाइकर सैमी ले लो भाई, वो भी तो हिंदू है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरे को भाई जैसा बोलता है। भाई कितने बंदे हैं, मैं तुम्हें गिनाऊंगा। तरुण सेठी करके मेरा दोस्त है बचपन का। प्लीज रिक्वेस्ट है, आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होने वाली है। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप सबको अपने कल वाली वीडियो में दिखाया था कि आमिर माजिद को काफी सारे लोग ने घेर लिया था, जहाँ पर आमिर माजिद को उन सभी लोगों को सॉरी बोलना पड़ा था आर्मी वाले इंसिडेंट को लेकर। इसी चीज के ऊपर जेके मीडिया के एंकर आशीष कोहली ने उनको पोक करते हुए कुछ ये बोला। आज जब ये सुंदरबनी में गया तो लोगों ने इसे वहां रोका, इन लोगों ने आमिर माजिद के साथ फोटो नहीं खिंचवानी थी, इन्होंने आमिर माजिद को बोला माफी मांग, और आमिर माजिद ने माफी मांगी। ऐसे छपरियों के साथ क्या सेल्फीज लेनी और रील्स बनानी? छोड़िए, आप तो खुद हमारे लिए गर्व हैं, आपके साथ दुनिया रील बनाती है, ऐसे छपरियों के साथ रील मत बनाया करें, क्योंकि ये जो छपरी है इसने इंडियन आर्मी को गाली निकाली। तो गाइस, इसी चीज का रिप्लाई करते हुए आमिर माजिद ने अपने रीसेंट व्लॉग में आशीष कोहली को रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोला। मतलब इतने मैच्योर बंदे हैं, 40-40 साल के बंदे हैं, अजीब सी बात है कि कम्पीट भी कर रहे हैं तो एक 22 साल के लड़के से। कम्पीट करने अपने लेवल के बंदू से कम्पीट करो यार, कहां मेरा एक बाइकर कम्पीट करने का लेवल। अगली नजर है सम्राट भाई की तरफ से। तो सम्राट भाई की तरफ से न्यू वीडियो आउट हुआ जिसमें उन्होंने सभी मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी को एक्सपोज कर दिया। गाइस, उन्होंने इस वीडियो में ये दिखाया कि काफी सारे मोटो व्लॉगर अपनी जान को जोखिम में डालकर काफी ओवर स्पीडिंग करते हैं एंड वो पुलिस को भी चकमा देकर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी वीडियो का टाइटल भी अजीब तरीके का रखते हैं। तो गाइस, आप लोग खुद देखें उन्होंने क्या बोला। खराब ढूंढने जाएंगे ना तो एक से एक चीज मिलेंगी, जिनमें से एक है मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग कोई खराब कंटेंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में 2023 की बात कर रहा हूं, इस टाइम पे जो मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे हो रहा है ना, वो खराब के साथ साथ डेंजरस भी है। आज की डेट में लोग कंटेंट निकालने के लिए अपनी बाइकों को ओवर स्पीड करते हैं, 300 तक ले जाते हैं, और इसके साथ ही साथ और जो लोग स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं, और इस तरीके के स्टंट और ओवर स्पीडिंग से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इनफैक्ट एक तो मेरा दोस्त ही था। आप तो इंटरनेट पे कंटेंट बना रहे हो, लेकिन सीरियसली आपका कोई घर में इंतजार कर रहा है? इतना सा तो दिमाग लगा लो यार। फिर ओवर स्पीडिंग, स्टंट, इसके अलावा एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो मोटो ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है, वो है पुलिस को चकमा देना। इसलिए कि कंटेंट नहीं, कल्चर बन चुका है कि भैया अगर तुम मोटो ब्लॉगर हो, तुम्हारे पास अच्छी बाइक है, और अगर तुम्हें पुलिस ने रोका है तो डेफिनेटली तुम्हें उन्हें चकमा देके भागना ही है। टाइटल भी इतना खूबसूरत रखना है कि पुलिस को चकमा दे दिया, बहुत अच्छा काम किया भाई तूने पुलिस को चकमा। सम्राट भाई से पहले लक्ष्य चौधरी ने भी इस चीज के ऊपर वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने HSB व्लॉग को काफी सारा पोस्ट किया था। आप लोग खुद देखें उनके क्लिप। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्यूट गर्ल एपिक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। भाई जी, इसको क्यूट गर्ल एपिक रिएक्शन नहीं बल्कि लड़की को छेड़ना बोलते हैं। और मे बी ये लड़की आपके जानने वाली हो, पेड एक्ट्रेस हो, तो एवरेज इंडियन मोटो व्लॉगर। आई थिंक पाजी ने वीडियो अपलोड करने से पहले खुद भी दोबारा चेक नहीं की कि इसमें रिएक्शन से ज्यादा तो हैरेसमेंट दिख रहा है। हाउ मेनी लॉज कैन यू ब्रेक इन अ सिंगल वीडियो पाजी? यस, और करते हुए भी हेजिटेट नहीं कर रहे, एक बार भी सेकंड थॉट तक नहीं दे रहे वीडियो में क्या बोल रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। पूरा लड़की पीछे मुड़ के देख रही है भाई, हमें तो थंबनेल मिल गया एक नंबर। भाई जी, एक काम करो ना, अपनी बाइक का गला टायर उठाओ और उसकी बाइक के पिछले टायर पे रख दो, ट्राई साइकिल बना दो इन दोनों बाइकों के। तो बाकी आप सबके क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, जरूर से मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आप सबके कमेंट रीड कर रहा हूँ। तो मेरे अगले नजर है प्रोराइडर 1000 के फादर की तरफ से। तो प्रोराइडर 1000 के चैनल से कल एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें उनके फादर थे एंड गाइस उन्होंने दिखाया कि उनका गोप्रो 360 कैमरा मिल गया है एंड उसमें थोड़ा डैमेज आया है। एंड गाइस, इसी वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ओवर स्पीडिंग नहीं करी, और गाइस उन्होंने ये भी बोला कि अगर पुलिस उनके साथ में कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो इस चीज को कोर्ट में ले जाएंगे। हमारे उत्तराखंड के अधिकारी हैं,
जिन्होंने मेरे साथ ये बोला था कि आपके बच्चे को देख के छोटे बच्चे मोटिवेट होंगे। मैंने कहा सर नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे को मोटिवेट जिसने किया उसको भी तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे। हमारा बच्चा भी तो किसी को देख के मोटिवेट हुआ। हमारा बच्चा अगर पेज चला रहा था, अगर चला रहा था तो कहाँ से मोटिवेट हुआ? उस मोटिवेट का प्रूफ है मेरे पास। उसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा, उत्तराखंड के पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। आप सबका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, जरूर से मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आप सबके कमेंट रीड कर रहा हूँ।